स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। और आज हम लोग अपना मल्टीमीटर वाला सेटअप को आगे ले जाएंगे और आज एक व्यूअर रिक्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं, ऑसिलोस्कोप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए ऑसिलोस्कोप है क्या। ऑसिलोस्कोप जो है मल्टीमीटर का बहुत बड़ा भाई है। तो आप ये समझिए मल्टीमीटर वोल्टेज बहुत अच्छे से नापता है, करंट नाप सकता है, रेजिस्टेंस नाप सकता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। वो आराम से मल्टीमीटर इवन एक सस्ता वाला 100 रुपया 200 रुपये वाला भी अच्छे से कर लेता है। तो ऑसिलोस्कोप में क्यों जाने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि ऑसिलोस्कोप उसको ग्राफ करता है, यानी टाइम में दिखाता है कि आपका वोल्टेज कब कितना था कब कैसा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका बैटरी अगर आप बना रहे, आप इन्वर्टर बना रहे और आपको अच्छे से नहीं पता कि बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप आउट कैसे होता है। आप बनाओगे ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट के लिए, लेकिन बहुत लोग बनाते हैं 10 वोल्ट के लिए। ऐसा क्यों 10 वोल्ट में, कि वो फाइनल कट ऑफ होता है। तो अगर आपका 10 वोल्ट से सर्किट उठा रहा है तो आपका फाइनल वो मतलब अपर वोल्टेज कभी फ्लक्चुएट नहीं होगा। कि बैटरी घट रहा है तो आपका लाइट भी डिम होने लगा, वैसा नहीं होगा। वो सब समझने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि वोल्टेज समय में कैसे बिहेव कर रहा है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं, सिग्नल में बात करते हैं, तो ये इतना तेज हो जाता है जिसको आप ऐसा नहीं कि क्लैंप लगा दिए और बैठ के लिखते जा रहे हैं, आप नहीं कर सकते। और इसके लिए समझिए सिग्नल हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। आपका पुराना कैथोड रे ट्यूब से लेके आज का मतलब वाईफाई से लेके 5G से लेके सब चीज़ में सिग्नल ही इस्तेमाल होता है। और ये सब इतना तेज है जिसको आप नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इस तरह का आपको मल्टीमीटर देखने को खूब सारे इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हुए दिख जाएगा। इसमें भी आपको एक तो फ्रीक्वेंसी का सेटिंग मिल जाता है। तो क्या उस फ्रीक्वेंसी से आप इसको मेंस में लगा के देख सकते हैं? हाँ, आराम से इसको मेंस में लगाइएगा, ये तुरंत बता देगा 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है। आप जैसे कोई वेस्टर्न कंट्री में अगर घूमने गए हैं वहाँ पर ये करेंगे तो वो बता देगा 60 हर्ट्ज़ है। तो तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन वही अंतर है, आपको सिर्फ एक नंबर मिल रहा है। आप ये नहीं देख पा रहे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसकी वेव फॉर्म क्या है। वो सब देखने के लिए ज़रूरी हो जाता है ऑसिलोस्कोप। यही तिकड़म है। आप लगभग सारा चीज़ जो ऑसिलोस्कोप कर सकता है मल्टीमीटर से कर सकते हैं, सिवाय उसको मतलब ग्राफ करने के, मतलब कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ये देखने के लिए आपको ऑसिलोस्कोप एकदम चाहिए। यहाँ पे डिस्कशन नहीं, आपको चाहिए ही। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का करियर थोड़ा सा भी आगे बढ़े और आप थोड़ा सा भी एक्चुअली कुछ बनाना रिपेयर करना ये सब करना चाह रहे हैं और मतलब आप समझना चाहते हैं, एक होता है कि बस मेरा काम है भैया मैंने देखा कि ये रजिस्टर शॉर्ट है उसको डिसोल्डर करके लगा दिया वापस, वैसे कोई बात नहीं करो। आप समझना चाहते हैं कि ये सब कैसे बनता है, इक्विपमेंट या कैसे काम होता है, या आप कुछ खुद बनाना चाहते हैं कि आपको नहीं यार मेरे को मान लो नहीं पसंद आ रहा है ये पीसी का, यूपीएस नहीं पसंद आ रहा है, माइक्रोटेक का नौटंकी लग रहा है, हम खुद से बना लेते हैं। मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उसमें कैसे उसको अच्छा बना पाएंगे उसको समझने के लिए आपको सिग्नल देखना पड़ेगा कि सिग्नल कैसा आ रहा है। क्योंकि एसी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक सिग्नल है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में है और वो 50 हर्ट्ज पर चलता है। 50 हर्ट्ज ऐसा चीज़ नहीं जो आँख से आप देख लें। तो यही समझिए वही है कि आप मल्टीमीटर को लिए और उसमें ग्राफिंग एबिलिटी डाल दिए कि भैया तुम ग्राफ करो ताकि हम सिग्नल देख सकें। अब बात करते हैं इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है इतना। आप ये समझिए सिग्नल के मामले में, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बिजली का है तो वो तो आप समझ ही गए, ठीक है, बिजली में साइन वेव आता है। और आपको पता ही होगा मोबाइल का कैमरा से आप कभी भी किसी चीज़ का फोटो देखने लगेंगे उसमें आपको दिखेगा हर चीज़ में, जैसे ये भी टीवी में हो सकता है कि आपको बैंड ऐसे ऊपर नीचे जाते दिख रहा है, वो बैंड आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की। तो ये सब हर चीज़ में होता है। अब वहीं पर आप बात करते हैं कि मतलब आपका ईथरनेट केबल है, आपने लगाया मतलब अपने राउटर में लगाया कंप्यूटर में, दोनों बात कैसे कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सिग्नल भेज के। अब वो सब सिग्नल इतना स्पीड से होता है, आप सोच लीजिए कि आपका नॉर्मल कनेक्शन जो होता है 1 गीगाबिट पर सेकंड का वो थ्रूपुट रखता है। मतलब अगर तार वो सही है, Cat5e है, एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, आराम से आप डेटा फाइल इधर से उधर 100 Mbps पे कर सकते हैं। तो उतना डेटा इधर से उधर जा रहा है, उसको अगर आप देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से क्या पैकेट्स भेज रहे हैं, वायरिंग में क्या हो रहा है, मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर क्या हो रहा है, तो वो तो आप मल्टीमीटर से छोड़ दीजिए, मल्टीमीटर कुछ नहीं दिखाने वाला। तो इसीलिए आपको ये चाहिए, सिग्नल को समझना ज़रूरी। और हमारा वर्ल्ड बहुत डिजिटल हो गया है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दें, आप चल वॉशिंग मशीन से लेके स्टेबलाइजर से लेके हर चीज में डिजिटल के ऊपर डिजिटल सर्किट लग रहा है। अब तो गाड़ी में इतने डिजिटल सर्किट हैं कि उसके लिए एक तो पूरा पोर्ट बनाया गया, जो OBD2 पोर्ट सुनते हैं कि भैया इसका इस्तेमाल करके मतलब आप RPM पढ़ लो, आप ये पढ़ लो, मतलब मेरे गाड़ी में RPM मीटर नहीं था तो मैंने OBD2 का मीटर लगा के तो RPM पढ़ सकता हूँ। तो वो से समझिए पूरी दुनिया अब डिजिटल हो गई है। तो डिजिटल सिग्नल को समझने के लिए सिग्नल को समझना जरूरी होता है, इसीलिए इसका जरूरत ऑसिलोस्कोप का। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो थोड़ा सा भी सीरियस है कि हम कुछ करना चाहते हैं, अच्छे से बनाना चाहते हैं, या मतलब कहीं सीरियस वाले जगह पर जॉब करना है, तो ये इसका इस्तेमाल करना एकदम कंपलसरी हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है। ये एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप किसी भी बिजली में मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है उसको बिना मल्टीमीटर के नहीं देखेंगे, वैसे कोई भी बंदा जो माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल लॉजिक बोर्ड ये सब में काम करेगा बिना इसके आप नहीं देख पाएंगे उनको।
तो अब इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि मैं यहाँ बात क्या कर रहा हूँ। आप ये समझिए कि हम लोग बैकअप खरीदते हैं, चाहे वो इन्वर्टर हो, यूपीएस हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर या मतलब साइन आता है। तो स्क्वायर और साइन वेव, जैसे मान लीजिए आपका दुकान है, वहाँ पर अगर आप लोगों को दिखा दें कि स्क्वायर और साइन वेव क्या है, आपका साइन वेव का बिक्री बढ़ जाएगा। तो दो तीन दुकान वालों को मैंने सुना है कि वो लोग आजकल ये कर रहे हैं, दिखा देते हैं, क्योंकि जनरली आप साइन वेव और स्क्वायर वेव में अंतर आम आदमी को, नॉर्मल पब्लिक को आपसे भी अरे आवाज़ करता है ना पंखा करके, वो आवाज़ नहीं करेगा, तो वो सेलिंग पॉइंट उतना अच्छा नहीं। लेकिन आप दिखा दो कि देखिए डुग 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 कर रखे भेज रहा है ये नॉर्मल इन्वर्टर, और ये साइन वेव एकदम जैसा का तैसा वैसा भेज पा रहा है, तो वहाँ पे एक देखने वाली बात है। प्लस अभी अगर आप बहुत सारे इन्वर्टर्स देखेंगे तो उसमें मॉडिफाइड साइन वेव होता है, यानी कि साइन वेव सीधे ऑन या ऑफ नहीं होता, उसमें मतलब दो स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स कैसे कर रहा है, कितना उसका विथ है, या चार पाँच स्टेप होने के बाद वो ऑलमोस्ट साइन वेव जितना ही अच्छा हो जाता है, और बहुत हाई वोल्टेज डीसी करंट सर्किट में वही इस्तेमाल होता है, स्टेप सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब समझने के लिए देखना पड़ेगा, ये सब को देखने के लिए आपको ऑसिलोस्कोप चाहिए, बिना उसके आप नहीं देख सकते। आप बिना ऑसिलोस्कोप के एक नॉर्मल मतलब यूपीएस, एक एपीएससी का यूपीएस जो कहता है मॉडिफाइड साइन वेव है, दूसरा एक ऑनलाइन यूपीएस है, ये तीनों में अंतर आप नहीं बता सकते। हाँ मतलब बक्सा पढ़ के होते, लेकिन अगर आपको कोई बोले प्रूफ करो कि कौन सा क्या है, या कोई काउंटरफिट कर रहा है कि मतलब अंदर मटेरियल छेड़ दे रहा है, आप कैसे दिखोगे, जरूरी हो जाता है ये। और प्लस तीन फेज का हम लोग पावर इस्तेमाल करते हैं लगभग बहुत सारी चीज़ में, आपके मतलब बिल्डिंग में लिफ्ट है तो उसमें तीन फेज का मोटर लगा होने का संभावना लगभग 100% होता है। तो तीन फेज आप कहां से देखोगे, तीन फेज के लिए आपको मल्टी चैनल का ऑसिलोस्कोप चाहिए जो दिखा सके। और ऐसा भी नहीं है कि ये इसका ठीक है वो बड़े इस्तेमाल होता है, जैसे आजकल बहुत सारे मतलब ये एयर कंडीशनिंग यूनिट में जो मोटर लगाए जाते हैं वो बीएलडीसी रहता है। बीएलडीसी एक तौर का इंडक्शन मोटर आप समझ सकते हो, मतलब उसमें भी सिग्नल भेजा जाता है, जिस तरह से वो सिग्नल आपको ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखने जैसा लगेगा। तो वो सिग्नल को अगर पढ़ पाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे अचीव कर रहा है कि भैया कंप्रेसर कम लोड पर चलाओ, जो कि नॉर्मल एसी नहीं कर सकता, नॉर्मल एसी सिर्फ कंप्रेसर बंद करता है या तो चालू करता है। तो ये सब समझने के लिए आपको देखना जरूरी है, अगर आप देख ही नहीं पा रहे तो किताब में आप 1000 पढ़ लो। आप ये समझ लीजिए ये टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आदम जमाने से जिसको बनाया जा रहा है ऑसिलोस्कोप, आज जो हम लोग ऑसिलोस्कोप बात कर रहे हैं वो डिजिटल है, लेकिन सीआरटी ऑसिलोस्कोप तो मतलब एकदम आदम जमाने से चलता आ रहा है, जरूरी था, बिना उसके तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाती। आप सोचिए कैथोड रे ट्यूब में हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गन फायर कर रहा है, वो कर रहा है ऐसे ऐसे स्कैन कर रहा है, वो इतना स्पीड से कर रहा है कि इंसान का आंख नहीं देख पा रहा। तो उसको प्रोग्राम करने वाले को तो स्लो करके देखना पड़ा होगा ना, भैया ये स्टैंडर्ड होगा इंसेट का, इतना स्टैंडर्ड यानी इतना बार ये लाइन क्रॉस कर रहा है। तो समझ लीजिए ये बहुत जरूरी। और प्लस अगर आप माइक्रो कंट्रोलर में थोड़ा घुसना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये माइक्रो कंट्रोलर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस सब में बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, जैसे कि बस कहा जाता है, आई स्क्वायर सी बस हो सकता है, कैन बस हो सकता है, सीरियल इंटरफेस हो सकता है, बहुत सारे इंटरफेस होते हैं। ये सब क्या कर रहा है, और आप लोग सुनते हुए क्लॉक साइकिल, बहुत बार आपको इस तरह का क्लॉक साइकिल सुनने को मिलेगा, जैसे एचडीएमआई केबल लगा हुआ है वो भी बात कर रहा है। अगर मैं एचडीएमआई केबल को एक ऑसिलोस्कोप से मतलब ब्रेकआउट करके देखूँ तब मुझे दिखेगा कि अच्छा वो ये भेज रहा है क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल का मतलब क्या होता है, मतलब डिपेंड करता है, आप पढ़िए स्प्रेडशीट, कुछ स्प्रेडशीट में क्लॉक साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है कि अब नया फ्रेम आ रहा है, जनरली वो क्लॉक साइकिल हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन जो आजकल वेरिएबल रिफ्रेश रेट मॉनिटर्स आने लगे हैं जिसमें कि आपका फ्री सिंक हो गया, जी सिंक हो गया, ये सब क्या कर रहा है, क्लॉक साइकिल को छेड़ रहा है, या फ्रेम रेडी नहीं हुआ तुम नहीं दिखाओ। तो ये सब अगर आप देखना चाहते हैं या समझना चाहते या बनाना चाहते हैं, ये कंपलसरी हो जाता है, ये ऑप्शन नहीं है कि मैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत आगे चल जाऊंगा, आप ऑसिलोस्कोप ले ही लोगे। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है ऑसिलोस्कोप। आप ये समझिए कि ऑसिलोस्कोप का काम करने का अंदर का जो सिस्टम है वो बहुत सिंपल होता है, टेक्निकली है वो एक मल्टीमीटर ही, उसमें किया क्या जाता है कि वो जो भी आप प्रोब करते हैं, जो भी पॉइंट को आप कर रहे हैं, उससे एक वोल्टेज लिया जाता है और उस वोल्टेज को एक ए टू डी में डाला जाता है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, वो डिजिटल कन्वर्टर उसको स्लाइस कर देता है डेटा पॉइंट को, क्योंकि उसको एक सेकंड के अंदर कई हज़ार बार उसको चेक करना है। जैसे अगर आप सस्ता सस्ता ऑसिलोस्कोप भी लेंगे तो उसमें जनरली 2 गीगा सैंपल रहता है, यानी एक सेकेंड में वो उतना बार स्लाइस कर रहा है, तो वो ए टू डी मेन तो वहीं आपका पैसा लगता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग जो चीज़ आपको फ़र्क पड़ेगा, आपका पहला ऑसिलोस्कोप खरीदने में आपको सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा ऑसिलोस्कोप में, एक चीज़ आपको बार बार सुनने को मिलेगा, चैनल्स। चैनल्स क्या होता है, कितना प्रोब पॉइंट एक साथ लगा सकते हैं। आप देखिए कि आप तीन फेज का अगर आपको बिजली नापना है और अगर आप तीनों को कंपेयर नहीं कर पाते, आप अंतर नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते फेज एंगल क्या है, क्योंकि मान लीजिए कई केसेस में आजकल बड़े बड़े मोटर्स जहां लगाए जा रहे हैं वहां वेरिएबल स्पीड कंट्रोल लगाया जाता है, लिफ्ट में खास करके ये किया जाता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि तीन फेज का मोटर मतलब आप चला रहे हो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव से, तो उसका पावर फैक्टर बहुत खराब आता है। तो किया क्या जाता है, थ्री फेज टू सिक्स फेज ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, और सिक्स फेज ट्रांसफार्मर से 12
डायोड से लगा के डीसी बनाते हैं, वो डीसी जाता है आपका मतलब ये इन्वर्टर में, जो इन्वर्टर उसको आराम से वेरिएबल स्पीड ड्राइव में बदल देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पावर फैक्टर कम रहे, गर्मी कम पैदा हो और एकदम बम बम सब चीज़ चले, डीसी का कैपेसिटर का साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो सब तो है, लेकिन आप देखोगे कैसे कि वो फेज शिफ्ट सही से हो रहा है कि नहीं। फेज शिफ्ट देखने के लिए आपको दोनों को एक समय पे एक ही साथ चेक करना होगा, उसी के लिए मल्टी चैनल मीटर्स आते हैं। कि जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ, तीन फेज की बिजली आती है घर में, आप देखोगे कैसे कि कौन फेज किस एंगल पे, अगर आपके पास मतलब पैरेलल देखने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर आप मल्टीमीटर करते हो, मल्टीमीटर तो दोनों में वही दिखाएगा आपको 220 वोल्ट, लेकिन अगर आप इसको डाल देते हैं ठीक है हाँ भैया पैरेलल दिखाओ, तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस बहुत लोग जिनको मतलब इन्वर्टर सर्किट डिज़ाइन करना होता है, इन्वर्टर सर्किट में होता है मतलब एक पावर ड्राइवर होता है, एक कंट्रोलर ड्राइवर होता है। कंट्रोलर ड्राइवर सिक्स स्क्वायर वेव में काम करेगा, पावर ड्राइवर उसको साइन वेव में बदल देगा। तो जिसे कहते हैं साइनोसोडियल पल्स विथ मॉड्यूलेशन, तो ये दोनों सिग्नल आपको देखना पड़ सकता है एक साथ, कि भैया सही से जा रहा है कि नहीं। मतलब मान लीजिए यहाँ से 60 सिग्नल भेजा गया, वो 60 सिग्नल को अच्छे से यूज़ कर पाया कि नहीं, कहीं लॉस कर दे रहा है डेटा पैकेट्स का, तो वो सब देखने के लिए ये सब चैनल ज़रूरी हो जाते हैं। तो जनरली एकदम बेसिक ऑसिलोस्कोप एक देगा, ढंग का बेंच टॉप दो देगा, चार अच्छा हो जाता है। चार पे आपको मतलब लगभग आप सारी चीज कर सकते हैं, चार में आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं यार थोड़ा और चैनल रहता तो अच्छा रहता है। फिर 8-10 चैनल भी आते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा हो जाता है और वो उतना यूज नहीं होता। तो मतलब दो चार, और अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो लोग कहेंगे आपको कि भैया चार ले लो, ताकि मतलब चार में आपको तीन फेज का सारा काम हो सकता है। फिर ये तो हो गया चैनल्स का काउंट से। फिर बात करते हैं बैंडविथ का। बैंडविथ का ये मतलब होता है कि वो कितना स्पीड से देख पा रहा है, मतलब समझिए उसकी आंखें में कितना बड़ा लेंस लगा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। और ये बात आपको समझना होगा, इसे फ्रीक्वेंसी में बताया जाता है, जैसे 50 MHz का टेलीस्कोप है, 100 MHz का है, 200 MHz का है। लेकिन एक बात जरूर समझ लीजिए, जैसा 200 MHz का लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है 200 MHz पर वो काम करेगा, मतलब काम करेगा लेकिन सिग्नल इंटीग्रिटी बहुत खराब हो जाती है। और वो सिग्नल एक्यूरेसी, जितना आप उसके नज़दीक पहुँचेंगे, जैसे मान लीजिए 100 बोला था, आप 50-60 तक ना आप एकदम एक्यूरेट बम बम, लेकिन जैसे जैसे 70 के आगे जाने लगेंगे वो धड़ा धड़ धड़ इंटेग्रिटी खराब होने लगती है। इसीलिए ऑसिलोस्कोप इतना ओवर पावर्ड आते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो आपको सबसे सस्ता ऑसिलोस्कोप मिलेगा वो भी लगभग कहीं 20 से 40 हज़ार लग जाएगा, ढंग का बात कर रहा हूँ। तो वो सब ऑसिलोस्कोप में मतलब लिखा है कि 100 MHz। तो क्या मैं टिनसी खरीद सकता हूँ, मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर आता है 100 MHz का चलता है, क्या वो देख सकता हूँ उसमें? दिखा देगा लेकिन एक्यूरेटली नहीं दिखा पाएगा। वो सब हमको सबसे अच्छा से ये आर्डिनो दिखा पाएगा, क्योंकि आर्डिनो 15 MHz पर चलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जितना वो फ्रीक्वेंसी लिखा है, मान लीजिए आप देखते हैं कि मेरे को इस माइक्रो प्रोसेसर पर काम करना है, मैं ऑसिलोस्कोप खरीद रहा हूँ, वो माइक्रो प्रोसेसर है 150 का, तो ऐसा मतलब कोशिश करें कि 150 का ऑसिलोस्कोप ना लें, 200 का लें या उससे भी ज़्यादा हो सके, क्योंकि जितना हाई फ्रीक्वेंसी आप उसके नज़दीक पर पहुंच जाएंगे उसकी इफिशियंसी खराब हो जाती है, मतलब सिग्नल इंटेग्रिटी गया गुजरा हो जाता है। तो बैंडविथ इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब बैंडविथ को वैसे मत देखिए कि वो बैंडविथ मतलब कंप्लीट, बैंडविथ को आप ऐसे देखिए जैसे वीए हम लोग नापते हैं इन्वर्टर सब में, वीए से थोड़ा 30% कम, यहाँ पर भी वही बात है। और आप इसको देखिए, कुछ लोग बोलते हैं 2.5%, जिनको एकदम एक्यूरेट लैब में तो इससे नीचे बात ही नहीं होगा, 2.5% मतलब 2.5x से, तो वही होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे क्वालिटी घटते चले जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें आपका जो भी जिस पे भी काम कर रहा है उससे बहुत आगे लेकर लें, नहीं तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, आपका सिग्नल हौच-पौच आने लगेगा। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन का, यहाँ पे बिट में नापा जाता है, मेगापिक्सल में तो नहीं नापते, बिट में नापते हैं। और ये होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कितने मतलब वोल्टेज आया, उस वोल्टेज को किसी नंबर में तो स्टोर करना पड़ेगा, उसे एक यूनिट में स्टोर करते हैं कि ये यूनिट में यहाँ से यहाँ, मतलब समझिए ऊपर से नीचे तक एक यूनिट मान लीजिए, तो उसमें कहाँ पर वो दिखा रहा है इसको बिट में स्टोर करते हैं। तो बिट से क्या लेना है, 2 बिट का मतलब हो जाएगा या तो नीचे या तो ऊपर है, 4 बिट का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिखाएंगे। वैसे करके 8 बिट पर जब आप चले जाते हैं तो आपके पास 256 ऑप्शन हो जाते हैं कि स्लाइस में वो दिखाया जा सकता है ग्राफ को। अब वहीं पे जो प्रोफेशनल्स आते हैं वो 10 बिट चलाते हैं, वो 1024 का स्लाइस दिखा सकते, तो एकदम स्मूथ आपको वेवफॉर्म दिखेगा। तो उससे उसका क्या जरूरत है, आप ये समझिए कई बार ऐसा होता है खास करके HDMI केबल्स में, PCI एक्सप्रेस में या भी माइक्रो कंट्रोल में, खास करके लंबा तार जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, कई बार सिग्नल जो स्क्वायर वेव आना चाहिए वो सिग्नल कर्व होने लगता है, मतलब कैपेसिटेंस के चलते बर्बाद होने लगता है। ये सब देखने के लिए आपको वो स्लाइस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए ट्रिगर होता है आपका, जनरली जो भी रैम है, माइक्रो प्रोसेसर है, गाड़ी में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये सब अस्यूम करता है कि उसको जो सिग्नल आएगा वो एकदम बम बम हार्ड एज वाला आएगा, हार्ड एज वाला नहीं आ रहा है। मान लीजिए उसका थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा ही कर्व है, और वो कर्व आप नहीं देख पा रहे हो, इसमें आपको तो लगेगा कि भैया ये तो बम बम प्रोडक्ट है, लगा के देखें स्वाहा काम ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए वो रेजोल्यूशन पीछे लोग खर्च करें, ताकि आपको स्टार्टिंग वाला कर्व भी एकदम अच्छे से दिख जाए।
अब बात करते हैं रेजोल्यूशन में, लेकिन उतना ध्यान ना दें क्योंकि जनरली अगर आप स्टार्ट करें तो 8 बिट वाला ही अफोर्ड करने में बैंड बच जाएगी, 10 बिट वाला का तो बात ही ना करें। अब बात करते हैं मेमोरी डेप्थ का। मेमोरी डेप्थ ऐसा होता है क्योंकि ये समझिए 1 सेकंड को कई हज़ार हिस्सों में बांट रहा है, मतलब ये एकदम हाई स्पीड कैमरा जैसा बिहेव कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 मिनट का ये फुटेज दिखाने वाला है, ऐसा नहीं कर सकता, ये उतना वेव फॉर्म नहीं दिखा सकता। आप जैसे मान लीजिए इथरनेट का केबल निकाल दिए, 4 केबल 100 मेगाबिट्स वाला कर रहे हैं, चारों लगा दिए, हम पूरा डेटा पैकेट देखना चाहेंगे वो नहीं दिखा सकेगा, उतना इसका मेमोरी नहीं होता क्योंकि वो बिट नहीं स्टोर कर रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा ऑन ऑफ नहीं कर रहा है, वो ऑन ऑफ के बीच में जा रहा है कि अच्छा वोल्टेज का सिग्नल आया, वोल्टेज का सिग्नल ऊपर गया, ओवरशूट किया, अंडरशूट किया, ये सब देखने के लिए आपको ऑसिलोस्कोप में मेहनत किया जाता है। इसीलिए इसके जो कैपेसिटी रहती है मेमोरी बिट, वो बताया जाएगा कि 1 मिली सेकंड वो देख सकता है, 2 मिली सेकंड देख सकता है। आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं पूरा सीरियल बस लगा दिया धड़ धड़ा के स्टोर करते जाएगा, वैसा नहीं करने वाला है। मेमोरी बिट वैसे ही होता है, डेप्थ तो वैसे ही होता है। अब प्लस कई बार ऐसा भी होगा कि खास करके सस्ते ऑसिलोस्कोप में कि 4 चैनल आप लगा रहे हो, चारों चैनल का स्टोर करने की कोशिश की कि मतलब एक स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, जैसे आपने VFD को पूरा क्रैंक किया और आपको लग रहा है मोटर उस टाइम अनबैलेंस हो जा रहा है, तो चांसेस है कि कोई फेस आउट ऑफ सिंक चला जा रहा है उस दरमियान जिस टाइम आप क्रैंक कर रहे हैं, तो वो सब कुछ स्टोर करने की आप कोशिश करेंगे तो रेजोल्यूशन घट जाएगा क्योंकि वो चारों में बांट दे रहा है। तो ये मेमोरी बिट डेप्थ के बारे में थोड़ा सतर्क रहे, ये बस भावनाओं में ना मिल जाए। और ट्रिगर, ट्रिगर जनरली आजकल डिजिटल में समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन पहले बहुत बड़ा समस्या होता था कैसे उसको ट्रिगर करें। तो ट्रिगर में होता था राइजिंग एज, फॉलिंग एज, ये सब तो एकदम बेसिक हुआ है, लेकिन ट्रांजिएंट इवेंट को ट्रैक करना, जैसे कि मान लीजिए आपको कई लोग बोलते होंगे इन रश करंट बहुत सारे इक्विपमेंट में बहुत गंदा होता है, यानी कि स्पार्क मारे सटाक से वो खूब सारा एम्पेयर खा लिया, सटाक से वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा डिप कर दिया, बहुत छोटा ये सब इवेंट होता है, खास करके जो लोग कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ काम करते हैं उनका जीना आराम हो जाता है, तो वो लोग के लिए ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं तो वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो कब से आके चला गया ऑसिलोस्कोप, उसको पढ़ा लेकिन उसको स्टोर नहीं करेगा। तो ये स्टोरेज का काम दे दिया जाता है ऑसिलोस्कोप पे, तुमको जब लगे कुछ हुआ हो क्योंकि ऑसिलोस्कोप बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है तब तुम स्टोर कर लो। तो ऐसे ही करके ये सब काम होता है। इसके अलावा भी बहुत गहराई में उतर सकते हैं, और मैंने नीचे खूब सारे भर पुष्ट वीडियो का आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बना दिया जिसमें आप लोगों को सब चीज सीखने को मिल जाएगा। ये बस एक ओवरव्यू तौर पर मैं बना रहा हूं। अब बात करते हैं आपके पास ऑप्शन क्या है। तो जनरली ऑप्शन 3 तरह के आते हैं। पहला ऑप्शन आता है हैंडहेल्ड, जो आपको इस तरह का खूब सारा देखने को मिल जाएगा, ये 4 से 5 हज़ार से लेकर 7-8 हज़ार में मिल सकता है, ठीक है। ये मतलब एकदम ट्रायल रन ऑप्शन समझ लीजिए, मतलब बस आपको किसी को दिखाना है कुछ करना है, ये उतना सीरियसली कोई इसको लेता नहीं, मतलब कुछ नहीं से कुछ बेटर है लेकिन ये प्रैक्टिकल टूल के तौर पर नहीं देखते। फिर बात करते हैं 10 से 15 हज़ार के आसपास में आता है PC बेस्ड, क्योंकि ऑसिलोस्कोप में बहुत बड़ा हिस्सा कंप्यूटर का भी लगता है कि ठीक है आप एनालॉग तो डिजिटल कन्वर्टर आप ले लिए, उसके बाद उस डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस कौन करेगा। तो PC ऑप्शन वाले में यही आता है कि एक बॉक्स दे दिया जाता है जिसमें एनालॉग टू डिजिटल है और वो सारा काम कन्वर्शन करके दे देता है कंप्यूटर को, तुम दिखाओ कंप्यूटर का डिस्प्ले इस्तेमाल करेगा, कंप्यूटर का रैम इस्तेमाल करेगा सब चीज करने के लिए। तो ये 10 से 15 हज़ार में आता है, इसमें आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बेंच टॉप पर, यहाँ पर जब लोग एकदम सीरियस है नहीं मेरे को एक लैब बनाना है, लैब में ये रखा रहेगा और ये करने के लिए लोग 20 से मतलब लाख रुपये तक लग जाता है। इसके ऊपर भी ऑप्शन आता है क्योंकि ये सब जो आपको बता रहे 20 से या लाख रुपए वाले में ये सब मतलब माइक्रो कंट्रोलर तक ही जा सकता है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं छू सकता। आप माइक्रो प्रोसेसर को छूने वाला चीज चाहते हैं, जैसे कि जिसका इस्तेमाल इंटेल में होता है, AMD में होता है, रैम बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं, सैमसंग वाले इस्तेमाल करते हैं, वो तो माई गॉड उसका दाम इतना ज्यादा होता है कि दाम नहीं पूछा जाता उसका, घर सस्ता लगने लगे। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, घर सस्ता लगे, फरारी लंबोगनी सस्ता है, ये सब इतने महंगा होते हैं कि मतलब कंपनी ऑर्डर करेगी, मतलब इंटेल ऑर्डर करने वाला है, ये आप और हम नहीं ऑर्डर कर सकते, ये सब इतना फजीहत वाला था। और हाँ वो टेराहर्ट्ज़ पे चलता है, मतलब 4-5 ठो उनको लगाना पड़ता है एनालॉग टू डिजिटल, क्योंकि आप समझिए आपका प्रोसेसर आजकल जो है मार्केट में अवेलेबल वो 4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, और अगर आप 4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ आपका यही फ्रीक्वेंसी पे है तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ये बस ऑन ऑफ बता पाएगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी को देखना है खोल के कि हाँ वोल्टेज राइज कैसा हो रहा है, सही से कितना ओवरशूट हो रहा है, कितना अंडरशूट हो रहा है, क्या एकदम हार्ड एज है कि नहीं, राइज टाइम कितना है, फॉल टाइम कितना है, ये सब पे ही जो आप सुनते हैं ना इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स वो यही सब पे बनाया जाता है। इथरनेट में एक स्टैंडर्ड है कि कैसे कितना टाइम से वोल्टेज राइज करेगा, कितना पे फॉल करेगा, वो सब नहीं ठीक से करेगा तो हैंडशेक बिगड़ जाता है। तो वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आते हैं, मतलब एकदम मतलब बैंक अकाउंट में ब्लास्ट कर देने वाले आते हैं मतलब ऑसिलोस्कोप, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि खैर बहुत तकलीफ होता है उसे देख के। तो ये सब ऑप्शंस है आपको बैंगवुड से लेके अमेजोन से लेके, अमेजोन में एक ठो राइजकॉल DS1054 अभी अवेलेबल है, ये 4 वाला है, एक ठो और अवेलेबल है अमेजोन में जो 32,000 का है लेकिन वो सिर्फ 2 चैनल है, ये 4 चैनल है और ये 40,000 से थोड़ा ऊपर जाता है, तो मतलब
ऑलमोस्ट दोनों का दाम में उतना बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन ये डबल चैनल ज़्यादा दे रहा है इसीलिए लोग इसको कहते हैं। प्लस ये 100 मेगाहर्ट्ज़ का, लेकिन राइजोन ये किया कि ये 200 मेगाहर्ट्ज़ का उन्होंने ऑसिलोस्कोप बनाया और 200 को पैकेज करके बेच दिया। सेम हार्डवेयर इसमें बनाया लेकिन इसको सॉफ्टवेयर में लॉक कर दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा होशियारी करते हैं तो आप इसको हैक कर सकते हैं और आराम से इसको 200 मेगाहर्ट्ज़ में चला सकते, मतलब हार्डवेयर ये 200 मेगाहर्ट्ज़ का ही, बस उसको रीपैकेजिंग करके बेच रहे थे। और इस सिक्योरिटी उतना अच्छा नहीं था, सरप्राइजिंगली आसान है इसका मतलब फर्मवेयर हैक करना। तो यही समझिए ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास, मतलब हैंड हेल्ड से गाड़ी खोल सकते हैं। पीसी ऑप्शन से मैं जनरली दूर रहने को कहूँगा क्योंकि आपका पीसी भी उड़ सकता है। जनरली अच्छे वाले ब्रांडेड में हमेशा यूएसबी जो है ऑप्टो कपल रहता है, यानी कि ऑप्टिकल डेटा इधर उधर जा रहा है, तो स्पाइक स्पाइक नहीं जा सकता, मतलब कुछ भी होगा आपका ऑसिलोस्कोप स्वाहा होगा, कंप्यूटर कुछ नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर बहुत महंगा चीज़ होता है इसलिए मैं उसमें ये भरोसा नहीं करता। बेंच टॉप सबसे सीरियस होता है, मतलब प्रैक्टिकली घूम फिर के आप यहीं आ जाओगे, बेंच टॉप पर ही आओगे घूम फिर के। तो यही था मेरा प्रेजेंटेशन ऑसिलोस्कोप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें क्योंकि मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।